यही फील है यार, बारिश हो रही है और आप पूल में हो, मजा आ जाता है। तो चलो एंजॉय करते हैं, बियर मंगाते हैं और एंजॉय करते हैं। मुझे गोवा छोड़ के नहीं जाना। नहीं करेंगे हम एक्सटेंड। मैंने पढ़ी है पीछे दो दिन और एक्सटेंड। गोवा के अलावा कहीं और नहीं मिलती है, बहुत रेयर मिलेगी यहाँ पे, हर जगह मिलेगी। और सबसे बेस्ट पार्ट की वाइन वैसे आती है 1000 रुपए की भी। क्या शो, ये भी फैनी है। ये आती है अपनी 100-150 रुपए की ड्रिंक की आती है। एक सौ हमने ये दो वाइन लिए है, रेड स्वीट पोर्ट वाइन और ये भी पोर्ट वाइन ही है। गोवा गए हैं गोवा लॉन्च में। यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आप लोगों को कुछ सिलेक्टेड क्रेडिट और डेबिट। लाउंज में आपको मेन कोर्स में वेज और नॉन वेज चैनल। और ये है आज हमारा गोवा का लास्ट डे, लास्ट डे ही कह सकते हैं हाँ, क्योंकि हमारी शाम की फ्लाइट है और सारे बैग्स पैक हो गए हैं, सब रेडी है हम लोग चेकआउट करने के लिए। सारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। ये हमारे पतिदेव का बैग खुला है क्योंकि वो गए हैं स्विमिंग के लिए नीचे स्विमिंग पूल में। मेरा कॉस्ट्यूम भीग जाता और बैग हैवी हो जाता, इसलिए मैं नहीं गई, वो गए। उन्होंने कहा मैं एक बार लास्ट बार स्विमिंग करके आता हूँ और उसके बाद हम लोग चेकआउट करेंगे। हमारा 12 बजे का चेकआउट टाइम था और 12 बज ही गए हैं। और ये पता नहीं कहाँ है, लेट्स सी दिखते हैं कि नहीं। ये रहे देख लिया इन्होंने हमें, देख लिया। ऊपर नहीं आना, बाकी हम लोग चेकआउट करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। एक बार लास्ट गोवा के दर्शन आप लोगों को कराएंगे क्योंकि हमारी 7 बजे की फ्लाइट है और हम वापस दिल्ली आ रहे हैं। और पता है इत्तेफाक से हम जितने दिन यहाँ पे थे, यहाँ मौसम इतना अच्छा था, इतना अच्छा मौसम था, बट अब एकदम से धूप हो गई। बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना कि मतलब हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकलने की, इतनी गर्मी हो रही है। तो मुझे लगता है कि गोवा भी हमें दिल्ली के वेदर के हिसाब से वो करवा रहा है कि एडजस्ट हो जाओ अभी से, वरना दिल्ली जाके तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। बट लकीली जितने दिन यहाँ थे बहुत अच्छा वेदर था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई, हम लोगों ने स्कूटी पे भी काफ़ी घूमा और मज़ा आया। मतलब ये ट्रिप ना ऑल ओवर बहुत अच्छा था और एक मेमोरी है, याद रहेगी। और आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारी ये पूरी गोवा सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी। बाकी हम दिल्ली तो चल ही रहे हैं, सारा यहाँ स्विमिंग चल रही है और मैं रेडी हो गई थी तो मैं ऐसे पानी में पैर डाल के बैठी हूँ क्योंकि आई हैव नो अदर ऑप्शंस। और ये देखो यहाँ तो मस्त स्विमिंग चल रही है। स्विमिंग करेंगे 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे स्विमिंग करते रहेंगे, पेपर की तरह गल जाएंगे पानी, पेपर की तरह गल जाएंगे। फ्लाइट में जाके फिर सोएंगे अच्छे से। फ्लाइट में सोऊंगा मैं क्योंकि हमारी फ्लाइट 7 बजे की है तो हमें वेट करना पड़ रहा है। बट धूप हो रही थी बट अब एकदम से मौसम बदल गया, थोड़ा अच्छा सा मौसम हो गया। और हो सकता है कि आज हम लोग लॉन्च एक्सेस भी लें तो आप लोगों को उसका भी पूरा टूर दिखाएंगे हम, कैसा होता है, क्या कार्ड यूज होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो गाइस के स्पॉट अभी कितनी ज्यादा धूप थी, अभी आप क्या बोल रहे थे कितनी धूप है, और अब मौसम दिखाऊंगा ना यार, इतना बढ़िया मौसम हो गया है, देखो पूरे काले बादल हो गए हैं, हवा देखो कैसे चल रही है, बारिश हो रही है और पूल में लोग आ गए हैं, खूब अपना एंजॉय कर रहे हैं, सबको मजा आ गया। मौसम का गाने चल रहे हैं बढ़िया, अपने मौसम ने एकदम से फ्लिप हो गया। मैंने आपको कहा ही था कि गोवा का मौसम ऐसा है कि फ्लिप होता ही रहता है और बारिश तो चलती रहती है, अब देखो फिर से बारिश हो गई है। बट यही फील है यार, बारिश हो रही है और आप पूल में हो, मजा आ जाता है। तो चलो एंजॉय करते हैं, बियर मंगाते हैं और एंजॉय करते हैं। दीपू धूप हो रही थी, दीपू धूप हो रही थी, मौसम हो गया एकदम बदल गया, यहाँ के मौसम का भरोसा नहीं है, सही कह रहा था।
head. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few deaths. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent. So guys, हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट एंड हो रहा है. हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं और लास्ट व्यू देख लो एक बार आप लोग. मुझे गोवा छोड़ के नहीं जाना. नहीं करेंगे हम एक्सटेंड. मैडम पड़ी हुई पीछे, दो दिन और एक्सटेंड कर लो. और कोई एक्सटेंड नहीं है, पता है. कसम से अगर हमारी टिकट रिफंडेबल वाली हो गई होती ना तो मैं पक्का आज रुक जाती. मन ही नहीं है यार जाने का. और पूल से निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा. हमारे होटल की एंट्री भी दिखा सबको कैसी एंट्री होती है. अगर सिंक्यू में आपको यहाँ पे पार्टी होटल में स्टे करना है तो इसकी एंट्री भी यहाँ क्लब के अंदर से निकलनी. और क्लब तो हम आप लोगों को कल रात दिखा ही चुके हैं. तो अब यहाँ से चलते हैं मोपा एयरपोर्ट की साइड और वहाँ जाके आपको मिलते हैं. और देखते हैं अगर लॉन्च एक्सेस हम वहाँ ले पाए तो आप सबको लॉन्च एक्सेस बिल्कुल. और ये यहाँ की क्लब की एंट्री है. हम लोग होटल में हैं तो इसलिए हम लोग पीछे से आ रहे हैं, वरना जो मेन एंट्री है वो यही है. इस होटल की सिंक्यू पार्टी होटल की एंट्री यही है. तो गोवा आए और गोवा का कुछ स्पेशल वाइन या कुछ भी अल्कोहल ना लेके जाए ऐसा तो हो नहीं सकता. तो मैंने बोला हम एयरपोर्ट जाते हुए गाड़ी रोकेंगे और हम यहाँ से वाइन लेके जाएंगे. तो हम यहाँ की पोर्ट वाइन लेके जाएंगे. ये पोर्ट वाइन है और मेरे लिए सबसे शॉकिंग है कि ये प्लास्टिक बॉटल है. गोवा के अंदर वाइन्स वगैरह तो सारी मिलती है, सारी दारू वगैरह मिलती है, बट जो यहाँ की लोकल है वो पोर्ट वाइन है. ये गोवा के अलावा कहीं और नहीं मिलती है, बहुत रेयर मिलेगी. यहाँ पे हर जगह मिलेगी. और सबसे बेस्ट पार्ट की वाइन वैसे आती है 1000 रुपये की मिनिमम, ये 200 रुपये की आती है. 100 रुपये से शुरू होती है. गाइस ये प्लास्टिक बॉटल है, ये देखो ये प्लास्टिक है. दोनों ले लूं क्या? एक और क्या थोड़ा टाइम इंतजार कर. एक बॉटल दिखा दो बस, वो सफेद वाली. ये नल नीचे सफेद. हाँ ये पानी ये दे दो. एक ये आती है, ये क्या है? काजू फैनी है. ये जो काजू के होते हैं ना फ्रूट, ये इससे बनती है. और ये यहाँ की जहर ड्रिंक है. दो तीन पैक मार लिए ना वो पक्का वो. और ये क्या है? क्या शो? ये भी फैनी है. ये आती है अपनी 100-150 रुपए की ड्रिंक. यहाँ पे 100-170 500-800 ये हमें पर लेना नहीं है, हमें यही लेना है. ये दोनों दे दो चलो. इनके अलावा और है कोई तीसरी फोटो? नहीं बस ये एयरपोर्ट के लिए जा सकते हैं. ये दोनों दे दो बस. वाइन ले लिया, फैनी हम लेंगे नहीं क्योंकि मैंने ट्राई कर रखा है, बहुत गंदी है. और तुम पी भी नहीं? नहीं मुझे पीना ही नहीं है. तो जिन लोगों ने हमारा कसौल का ब्लॉग देखा होगा, हम लोग कसौली भी जब गए थे तो हम लोग वहाँ से भी वाइन लेके आए थे और वो वाइन इतनी टेस्टी थी. तो यहाँ से भी वाइन ले जानी तो बनती है. और ये क्या पड़े? वो जो छोटी प्लास्टिक की बोतल है पोर्ट वाइन. आई जस्ट कांट बिलीव ये प्लास्टिक बॉटल है. क्या चेंज किया? वो हटा दो, ये दोनों ले. क्यों? क्या लगे इसमें? ये अच्छी है. वो 275 के 300 के तो अच्छी भी होगी और अच्छी पैकिंग भी अच्छी है. ठीक है, एयरपोर्ट पे ले जा सकते हैं ना इसे? हाँ तभी ये एयरपोर्ट पे इतना आराम से. हमने चेंज करी है, हमने एक ये ली है. पन्नी दे दो, पन्नी रेड स्वीट पोर्ट वाइन. और पन्नी दे दो दिखाना. हमने ये दो वाइन लिए हैं, रेड स्वीट पोर्ट वाइन और ये भी पोर्ट वाइन ही है. जाके ट्राई करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसी लगी. बिल्कुल. अभी चलते हैं एयरपोर्ट क्योंकि लेट हो जाएंगे वरना. लेट्स गो. ये ले जाना डिनर वगैरह रहता ना फ्लाइट्स में जाते. अच्छा रेस्टोरेंट. अच्छा इन्हीं का एयरपोर्ट का ही कुछ है. तो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और गोवा को लास्ट बाय बाय कर देते हैं. वो कह रहे हैं गोवा में लास्ट मिस करते हैं गाइस. लास्ट बाय कर ले पहले गोवा की सारी बियर यहीं निकाल के जाएंगे.
मजाक क्या कह रहे थे। चलो हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और दिल्ली के लिए फ्लाइट बोर्ड करने वाले हैं। 7 बजे की फ्लाइट है हमारी और दिल्ली वालों वापस दिल्ली आ रहे हैं। एक बार लास्ट बाय कर देते हैं गोवा को। 5 दिन निकल गए पता भी नहीं चला। बहुत अच्छे से निकले हैं। आप लोगों ने सारे ब्लॉग्स देख लिया, आप लोग ही बताओ कि कैसा लगा हमारा गोवा का ट्रिप। बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में खूब भर भर के कमेंट्स करो और बताओ कि ब्लॉग कैसा लगा, गोवा की पूरी सीरीज कैसी लगी, क्या मिसिंग था वो भी ज़रूर बताना। थैंक गॉड थैंक गॉड। 15 एक टेंशन तो खत्म हो गई बैग्स की। सो गोवा एयरपोर्ट पे चेक इन करने के बाद हम लोग आ गए हैं गोवा लॉन्च में। यहाँ पे एक्सेस करने के लिए आप लोगों को कुछ सिलेक्टेड क्रेडिट और डेबिट कार्ड चाहिए होते हैं जिससे वो लोग 2 रुपीस चार्ज करते हैं और इसके बाद आप लोग लॉन्च अपना इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं लॉन्च में और देखते हैं क्या क्या है। तो हम लोग आ गए हैं गोवा एयरपोर्ट के ब्यूटीफुल से लाउंज में और इस लाउंज में आपको मेन कोर्स में वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। सैलड्स भी होते हैं यहाँ पे और इसके साथ ही साथ एंड में आप लोग डेजर्ट भी इंजॉय कर सकते हो और उसके साथ में टी कॉफ़ी जूस ये सब भी है। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और है जो है बार, वो चार्जेबल होता है बट हाँ जिसको बार यूज़ करना है वो बार भी यूज़ कर सकता है। तो चलो इसके बाद चलते हैं अपनी फ्लाइट बोर्ड करने। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने घर दिल्ली और गोवा के कंपैरेटिवली यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास है बट होपफुली बहुत जल्द यहाँ बारिशें आने वाली हैं और वेदर यहाँ का अच्छा हो ही जाएगा। तो इसी के साथ ही साथ हमारा गोवा का ट्रिप और ये गोवा सीरीज़ यहीं एंड होती है। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये गोवा का ट्रिप और गोवा सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी और चलते हैं अपने घर की साइड क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और आप लोगों से मिलते हैं एक नए और एक एंटरटेनिंग व्लॉग के साथ। हमारे अगले व्लॉग का वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।